रोहतक विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बीबी बत्रा बीजेपी के प्रत्याशी मनीष ग्रोवर से उनकी 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि 10 साल में मनीष ग्रोवर और उनकी सरकार ने रोहतक शहर के लिए क्या किया, रोहतक विधानसभा के लिए क्या किया। लेकिन मनीष ग्रोवर ने भी उल्टा तीर दाग दिया है और ये पूछा है कि बीबी बत्रा ने पिछले 15 साल में रोहतक के लिए क्या किया। 15 साल में बीबी बत्रा दो बार रोहतक के विधायक रहे हैं और एक बार विपक्ष में रहे। ऐसे में बीबी बत्रा को भी अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जवाब में बीबी बत्रा ने क्या सबूत दिए हैं, क्या काम गिनाए हैं और उनका रिजल्ट क्या है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। बीबी बत्रा ने मनीष ग्रोवर के आरोपों का जवाब देने के लिए जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाले हैं उनको देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इनमें से 90% कामों में कहीं पर भी बीबी बत्रा का योगदान नहीं है। और इन कामों के जरिए बीबी बत्रा ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को भी फ्लॉप साबित कर दिया है, फेल साबित कर दिया है, जीरो साबित कर दिया है। क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी बनी है, जितने भी बार IMT सेंटर बने हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बना है, सबके बारे में बीबी बत्रा का दावा है कि ये काम उन्होंने करवाए हैं, जबकि ये सारे काम या तो भूपेंद्र हुड्डा ने करवाए या सांसद रहते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने करवाए हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के खाते को भी जीरो करके बीबी बत्रा अपने खाते में जोड़ रहे हैं। रोहतक विधानसभा क्षेत्र से बाहर के कामों को गिनवाकर बीबी बत्रा जनता की आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए कि किस तरह से बीबी बत्रा ने वो सारे काम गिनवाए हैं जो रोहतक विधानसभा क्षेत्र से बाहर के हैं। आपने इन सारी झलकियों को देख लिया होगा कि बीबी बत्रा किस तरह से शहर की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, शहर की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और अपना हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। जी हां, 2009 से लेकर 2014 तक बीबी बत्रा को ये बताना चाहिए कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, जब बीबी बत्रा सत्ता के विधायक थे, तो 2009 से 2014 तक उन्होंने शहर के लिए क्या क्या करवाया। यानी उन्हें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की बजाय खुद के अपने वो काम गिनवाने चाहिए जो विधायक होने के नाते ही उन्होंने करवाने का काम किया था, जिन पर उनका नाम लगा हुआ है और जो सिर्फ उनके कारण ही संभव हो पाए थे। उसके बाद कार्यकाल आता है 2014 से 2019 तक। उस समय बीबी बत्रा शहर के विधायक नहीं थे, लेकिन मुख्य होने के नाते उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो कांग्रेस के बड़े नेता होने और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होने के नाते शहर का ख्याल रखते और शहर के समस्याओं को लेकर जनता की आवाज उठाते, सरकार के साथ में संघर्ष करते, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक आपको बीबी बत्रा बेहद कम नजर आएंगे। सड़कों पर कहीं नजर नहीं आए, फील्ड में कहीं नजर नहीं आए और जनता के लिए आंदोलन करते हुए संघर्ष करते हुए नजर नहीं आए। यानी 2014
2014 तक जिस तरह सत्ता में उन्होंने गुमनामी बिताई, उसके बाद उसी तरह से 5 साल में वो विपक्ष में रहते हुए भी बड़ा चेहरा नहीं बन पाए, बड़ी आवाज़ नहीं बन पाए और जनता के हितों के लिए सरकार से टकराते हुए नज़र नहीं आए। अब बात करते हैं 2019 से लेकर 2024 तक की। 2019 में बीबी बत्रा फिर से विधायक बने। बेशक से उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन बीबी बत्रा के कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि वे विधायक होने के नाते रोहतक शहर और रोहतक की जनता को पूरा का पूरा हक दिलवाने का काम करें, उनकी समस्याओं का निजात करवाने का काम करें, उनके समस्याओं के लिए सरकार से भिड़ने का काम करें और रोहतक शहर के विकास के लिए अपने खुद के एमएलए फंड का इस्तेमाल करें। लेकिन अभी तक बीबी बत्रा ने अपने एमएलए फंड को लेकर श्वेत पत्र जारी नहीं किया है, जबकि मनीष ग्रोवर बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि विधायक फंड को लेकर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, हिसाब किताब बीबी बत्रा को देना चाहिए। लेकिन बीबी बत्रा अपने सफाई के नामे में ये सिर्फ इतना जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे एमएलए फंड को शहर की जरूरत के लिए, शहर के विकास कार्य के लिए खर्च किया है, लेकिन उसका श्वेत पत्र जारी करने में अभी तक बीबी बत्रा नाकाम रहे हैं। विधायक होने के नाते बेशक बीबी बत्रा ने विधानसभा में 10-15 बार रोहतक शहर की समस्या को उठाया है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने शहर की जनता के बीच में रहकर ना तो लड़ाई लड़ी, ना संघर्ष किया और ना ही जनता की आवाज़ को बुलंद किया। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में रहते हुए भी वो अपने घर के अंदर एसी रूम में बैठे रहे, शहर की सड़कों पर नहीं उतरे, शहर की सड़कों का, शहर की जनता का उन्होंने हालचाल नहीं पूछा। ये कह सकते कि उनको राम भरोसे छोड़ने का काम किया। यही वजह है कि हिसाब किताब देने के मामले में बीबी बत्रा गोलमाल कर रहे हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कार्यों को अपने खाते में जोड़ रहे हैं, वो हारने के कार्यकाल के दौरान भी अपना हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं और 2019 से 2024 के बीच में विधायक होते हुए एमएलए फंड की डिटेल को भी जारी नहीं कर रहे हैं। यानी बीबी बत्रा की दाल काली नज़र आ रही है, बीबी बत्रा अपने हिसाब किताब में फेल साबित हुए हैं और बीबी बत्रा ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे आंकड़े डाल रहे हैं जो उनके खाते में दर्ज नहीं है, बल्कि ये सारे आंकड़े भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपने हिसाब किताब में जोड़ते हैं। अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने ये विकास कार्य करवाए हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीबी बत्रा ने अपने बलबूते पर विधायक होते कौन कौन से काम कराए हैं। बीबी बत्रा से ये सबसे बड़ा सवाल भी है कि 2014 से 2019 तक उन्होंने शहर की समस्याओं के लिए कितनी बार सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया है। बीबी बत्रा के सामने ये सवाल भी है कि 2019 से लेकर 2024 तक उन्होंने विधायक होते हुए जनता के विकास के लिए, शहर की भलाई के लिए अपने विकास फंड को कहां कहां इस्तेमाल किया है, ये भी डिटेल जारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने में बीबी बत्रा नाकाम साबित हुए हैं। बीबी बत्रा आंकड़ों को घुमाने का काम कर रहे हैं, बीबी बत्रा आंकड़ों को छुपाने का काम कर रहे हैं और बीबी बत्रा सब कुछ गोलमाल करने का काम कर रहे हैं। बीबी बत्रा के 15 साल के सियासत के समय में आप कितने अंक देते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीबी बत्रा ने कांग्रेस सरकार में 2009 से 2014 तक कौन कौन से विकास कार्य किए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बीबी बत्रा ने 2014 से 2019 तक शहर की समस्याओं को लेकर कितनी बार सड़कों पर संघर्ष किया, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बीबी बत्रा ने 2019 से लेकर 2024 तक विधायक के तौर पर शहर की कौन कौन सी कॉलोनियों में विकास कार्य किए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।